Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. So guys, आज मैं जा रहा हूँ चाहे स्कूम्पा कल स्तूपा, ठीक है। तो अभी मैं पोखरा में हूँ, देख सकते हो ड्रीम होटल ड्रीम हाउस। तो अभी गाइस मैं से निकलने वाला हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो अभी बस जंपर पहनना है, उसके बाद निकलना है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं इधर रास्ते पे। सो गाइस बाइक रेडी है, अब यहाँ से निकलते हैं। निकल आल छु रोड में, रोड में निकल आल छु, यहाँ अलग गई छू। सो गाइस मॉर्निंग का दो ब्लॉक रखा है, देख रखे हो, उल्टा देखा है भाई। हाँ उतना ही बंदे थे ना, मैं अगर सोते अंदर बस गूगल ने भी उल्टा दिखा दिया या हमें देखना नहीं आया, क्या करे। चलो गाइस अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम, आपका यहाँ से 36-37 मिनट लग जाएगा, लगभग 40 मिनट ही रख दो, है ना। 28 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पहले तो चाइनीस गुम्बा जाएंगे, इस तो बा जो इस पोखरा का नाम से भी जानते हैं। पागल प्रेमी बनायो बनायो। सो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, और नेपाल कैसा लग रहा है आपको बताओ, यहाँ का माहौल कैसा है। हाँ यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। और मौसम हो गया, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है बताना प्लीज़, हाँ क्योंकि मैं सिक्किम से इतना दूर इंडिया से नेपाल आ रखा हूँ, इतना दूर राइड करके, है ना। इसका तो थोड़ा कुछ मेरे को दोगे। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे क्यों मरती है। साइड साइड से जा रहे हैं अभी हम, ठीक है, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो लेक लेक व्यू। हाँ लेक साइड ही, लेक साइड ही, हाँ। देखो लेक साइड देख सकते हो आप लोग, बाघ भी तक रहा है यहाँ पे।
सो गाइस यहाँ से सीधा जाना पड़ता है, देख सकते हो तुम हसुलो चौक है इसका नाम। क्या पहाड़ दिख रहा है भाई, मज़ा आ गया देखने में। ज़िंदगी में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा मेरे को, तो ये मैं यही बोलूँगा। जैसे तो है सिक्किम में भी है ऐसा, पर अरे यार मेरा जंपर का क्या होगा, अरे भाई उड़ेगा ऐसी की तीसरी हो जाएगा, धूल इतना उड़ रहा है भाई। ट्रैफिक में फंस गया रे, फिर कल परसों भी ट्रैफिक में फंस गया था। पर निकल गए हम, पर धूल बहुत उड़ा रहा है भाई, फट जाएगी मेरा। गाइस थोड़ा ऑफ रोडिंग है तो मज़ा आ रहा है चलाने में, धूल भी उड़ रहा है। मेरा जम्पर का एसी की टीसी हो गया, ब्लैक पेन रखा हूँ आज तो। अभी जाके पहले तो उतरते ही पानी ढूंढना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फिर ओहो भाई कहाँ से आया धूल में, सो के आया क्या बोलेगा फिर, है ना। अभी जा रहा है ऑफ रोडिंग, मतलब सारे मेंटेनेंस कर रहा है पहले से ही, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा रास्ता तगड़ा बन जाएगा रे भाई। देखो शिव जी का मंदिर तो दिख रहा है यहाँ से, साइनिस कंपास का ही नीचे ऐसा दिख रहा था पहले तो उधर से। तो गाइस अभी चलते हैं आगे, धूल तो उड़ता रहेगा, कपड़ा गंदा होता रहेगा, पर ऐसा नज़ारा देखने को ज़िंदगी में एक ही बार मिलेगा या बार बार आना पड़ेगा तभी दिख पाएंगे, है ना। खास करके आप लोग जो दूर में हो या इंटरनेशनल जो कंट्री का हो उनके लिए स्पेशली, है ना। और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए, जो आता है उनके लिए तो कोई बात नहीं होता है ना। आके जैसे वो तो सोचता है कि मैं भी हूँ या आप भी हो, सोचते हैं कि हम तो ये जगह जा चुका हूँ मैं, है ना। तो थोड़ा अभी रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छा रास्ता मिल गया। शिव मंदिर तो ऊपर है, इस तो को कहाँ रे भाई दिख नहीं रहा है हमें। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं इस तो का ऊपर है, उकालो ये रोड कहाँ से आया था रे, रोड तो दग रहा है रे। सही है गाइस अभी मैं सुबह में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ जैसे कि आप लोगों ने देखा है वीडियो में, है ना। तो यहाँ का जगह देख लीजिएगा, थोड़ा मार्केट है जाने से पहले, और पार्किंग भी है। ये कुछ गाड़ी नहीं सकता है तो वही सुबह ऊपर है, ठीक है अभी निकलते हैं, देख लीजिएगा। जान मन मन नगर बस।
सो गाइस अभी चढ़ते 480 स्टेप लेते हैं, ठीक है। लिटल पहाड़ा बड़े भाई को क्या हो गया, जैकेट खोलने का नौबत पर गया सुबह सुबह। चलो गए सभी, चल चल के जा रहे हैं अभी हम, तो ऊपर पहुँचते पहुँचते तो 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है। 40 स्टेप है, तो आपको डिटेल में दे रखा हूँ बोर्ड में, ठीक है। तो देख सकते हो दो रास्ता है, उधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, और सुबह मंदिर उधर है, तो वहाँ भी हम बाद में जाएंगे। तो अभी चलो पहले तो ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। इसके बाद में 120 किलो आता हो गया, डेंजर है वो। तो गाइस स्टिल अभी भी वॉकिंग चल रहा है हमारा, क्योंकि आप लोगों को पता ही दिया है, पता भी है 10 मिनट्स लगता है, तो अभी भी जा रहे हैं हम। शुक्रमा ने यह ब्लैक जंपर इतना गंदा धूल नहीं लगा, नहीं तो हाँ बैठा था मेरा तो गंदे हो जाता, फिर ऐसे निकलना भी है यहाँ से तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। गुड व्यू फॉर फोटो, ओके। कलर से है भी रस्ते रस्ते में आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ माउंटेन्स का व्यू। सुनिबात जो हाउस चलो अभी चलते मंदिर के अंदर हैं। भाई, हाँ बढ़ गया मेरा तो चल चल के। यहाँ से भी तगड़ा लगा रहा है, यहाँ से भी
कल परसों हम सहारनपुर गए थे, वहाँ से भी व्यू अच्छा आता है। तो फोटो भी फोटो शूट कर रखा हूँ मैंने, वो भी आप लोग कर दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा साइलेंस है ना, तो गैस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा सेक्शन कमेंट में नीचे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के यहाँ के लिए तो वीडियो इतना ही, ठीक है। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।